तो भाई मेरे आप देख रहे होंगे कि मैं एक शोरूम पे आया हूँ जो कि हीरो का शोरूम रहने वाला था। भाई मैं यहाँ पर आया हूँ जो कि मैं आपको एक लेटेस्ट चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि आप तक अभी ने देखा नहीं होगा। तो भैया मैं दिखाता हूँ पहले, तो भैया इधर दिखाइए, ये देखिए देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डिस्क ब्रेक आ गई जो कि हीरो स्प्लेंडर प्लस एस्टेक है ये, और इसमें डिस्क ब्रेक है। ये आफ्टर मार्केट नहीं है, ये है कंपनी की तरफ से फिटिंग होके आया है जो कि ये देखिए कुछ तरीके से यहाँ पर दिया गया है। जो कि मैं हीरो के ऑथराइज सर्विस सेंटर पर हूँ, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि भाई दिखा दीजिए यहाँ पर ये शोरूम रहने वाला जो कि ये देखिए बाराबंकी ऑटो सेल के नाम से ये शोरूम पड़ता है, जो कि यहाँ पर हीरो की कोई भी बाइक आकर यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आया हूँ इसकी वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि यार यही बाइक नहीं खड़ी है, यहाँ पर बहुत बड़ी सारी बाइकें खड़ी हैं जो कि इसमें डेस वेरियंट में खड़ी हुई बड़ी सारी बाइकें खड़ी हैं यहाँ पर, जो कि मैं आपको दिखाने वाला अभी नीचे जाकर दिखाएंगे। पहले तो मैं इसको दिखाता हूँ कि यहाँ पर डिस्क ब्रेक किस तरीके से आई, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये डिस्क ब्रेक रहने वाली है। और ये देखिए यहाँ पर ये डबल पिस्टन का डिस्क ब्रेक है, यहाँ पर पास में आके भाई दिखाइए मेरे को, मत दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर देखिए यार दो पिस्टन इसमें बेसिकली मिलते हैं, यहाँ पर दो पिस्टन की ये मतलब कि जो डिस्क ब्रेक है ये दो पिस्टन की रहने वाली है। और यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखने में लगता है, और ये देखिए इसका पूरा व्हील ही चेंज कर दिया कंपनी ने। यहाँ पर दिखाइए थोड़ा पास में करिए भाई, मेरे को मत दिखाइए यार, सिर्फ ये गाड़ी दिखाइए यहाँ पर, हाँ ये देखिए यहाँ पर देखिए भाई इसका पूरा व्हील ही चेंज कर दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पूरा फिटिंग करके दिया है, यहाँ पर थोड़ा पास में करिए बैठ जाइए थोड़ा, ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिटिंग करके देखिए। इसका अलाइविल जो है पूरा चेंज है, इसका अलाइविल भी चेंज है, और जो बॉटम है ये जो सांकर बॉटम होते हैं उसे भी चेंज है, यानी दोनों बॉटम चेंज है और इसका अलाइविल चेंज है। तो भाई ये यही सारे चीज़ चेंज हुए हैं इसमें। और इसमें टायर भाई इसकी टायर साइज़ की बात करें, टायर साइज़ इसमें वही रहने वाला है 80/18 के, इसमें ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है, यानी कि इसमें टायर भी थोड़ा बड़ा देने लगी, जो कि देखिए 80/18 का, यानी कि 80/90/18 का पहले आता था, पर इसमें 80/18 का इसमें ट्यूबलेस टायर देने लगी कुछ इस तरीके से। और इसमें यही चेंजिंग नहीं, बड़ी सारी चेंजिंग हुई हैं जो कि यहाँ पर दिखा दीजिए, यहाँ पर पूरा कैलिपर वगैरह लगाया गया है, ये देखिए डिस्क ब्रेक का पूरा सेटअप यहाँ पर डाल के दिया है कंपनी ने, जो कि दिखने में ऐसा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा पास में इधर दिखाइए भाई, ये देखिए इधर थोड़ा पास में करिए, यहाँ पर दिखाइए आकर, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से कॉम्बो ब्रेकिंग दिया है यहाँ पर, जैसे कि हम आप पीछे वाली ब्रेक प्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रियर वाली ब्रेक भी लग रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। और यहाँ पर ये भी चेंजिंग नहीं, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक ये बॉक्स जो है टूल बॉक्स, इसे भी चेंज कर दिया कंपनी ने, जो कि दिखने में कुछ इस तरीके से लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा दिखाइए पास में करके भाई, ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसमें भी चेंजिंग है और उस तरफ भी चेंज है, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए इसका इलेक्ट्रिक बॉक्स जो है यहाँ पर इधर भी चेंज कर दिया, जो कि एस्टेक हमारे सामने खड़ी हुई उसका भी मैं दिखाता हूँ, उधर दिखा दीजिए भाई, इसमें ये फीचर नहीं मिलता, ये देखिए कुछ तरीके से इसमें ये फीचर नहीं मिलता है इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज कर दिया मैंने कुछ। तो भैया यार और चीज़ें हम चेंजिंग की बात करें, तो भैया ये देखिए यहाँ पर इसका कैलिपर जो यहाँ पर दिया है, जो कि यहाँ से देखिए डिस्क लिखा हुआ है, यहाँ पर डिस्क ब्रेक लिखा हुआ है, ये देखिए डिस्क लिखा है यहाँ पर, यानी कि डिस्क वेरिएंट में है तो यहाँ पर डिस्क लिखा हुआ है। यहाँ जब हम प्रेस ये वाली जब ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये वाला जो आगे के व्हील है ये भी रुकेगा, यानी जब यहाँ पर हम प्रेस करेंगे इस वाली ब्रेक को जब हम यहाँ प्रेस करेंगे तो ये वाला जो व्हील है ये व्हील रुकेगा आगे का व्हील। देखिए मैं जैसे कि अभी आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा पीछे करके दिखाता हूँ उसके बाद। तो भैया जब हम यहाँ रियर वाली ब्रेक दबाएंगे तो भाई आगे की भी फ्रंट वाली ब्रेक भी लगेगी कुछ इस तरीके से, जो कि मैं अकेले ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, नहीं मैं आपको अभी दिखाता, क्योंकि यार जो मेरे वीडियो भी शूट कर रहे थे तो थोड़ा काम से चले गए हैं, यानी कि शोरूम पर ही रहते हैं, तो भैया थोड़ा काम पर चले गए तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अभी कोई ये बंदा आता तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ब्रेक कैसे काम करती है, यानी कि पीछे दबाने से कैसे काम करती है आगे वाली ब्रेक, सारा कुछ मैं दिखाऊंगा। अभी कोई बंदा आता तो फिर दिखाता हूँ, ठीक भाई। और हीरो स्प्लेंडर प्लस एस्टेक वाला वेरियंट जो आता था वही वाला सेम वेरियंट रहने वाला, जो कि ये देखिए कुछ तरीके से यहाँ पर स्टिकर वगैरह में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, स्टिकर वगैरह सेम वही रहने वाला है। ये देखिए यहाँ पर भी हीरो स्प्लेंडर प्लस मतलब स्प्लेंडर प्लस एस्टेक लिखा हुआ है और स्टिकर वही रहने वाला है। और इसमें बड़ी सारी चेंजिंग नहीं हुई, सिर्फ यही दो चार चेंजिंग हुए, जो कि ये देखिए ये वाला चेंजिंग हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स जो होता है यानी टूल बॉक्स जो होता है ये भी चेंज हुआ है, और देन उसके बाद आगे इसका डिस्क ब्रेक चेंज हुआ है, और इसका पूरा कैलिपर कुछ तरीके से यहाँ पर कंपनी ने दिया है। बस यही सारी दो चार चीज़ें जो है चेंज किया है, और सबसे बड़ा और एक चीज़ जो है सबसे ज़्यादा बदलाव जो सबसे बड़ा बदलाव किया है, जो कि मैं पीछे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भैया ये देखिए यहाँ पर जो ग्रेवल होता था ये ग्रेवल भी पूरा चेंज कर दिया कंपनी ने, ये देखिए ये भैया जो शॉर्ट वाला ग्रेवल है कुछ तरीके से जो सिंगल वाला मिलता है, ये देखिए कुछ तरीके से जो कि ये अल्यूमिनियम का है, ये देखिए कुछ तरीके से जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जो कि ये आफ्टर मार्केट कंपनी
से मतलब कंपनी से नहीं लग के आता था, आउटर मार्केट आप लोग लगवाते थे, पर यार कंपनी ने लग के लगा कर इस एस्टेक में जो डिस वाला वेरियंट आया है इसमें कंपनी ने ये भी बदलाव करके दिया, जो कि ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें लगा के दिया, जो कि दिखने में बहुत ही कूल लगता है। पीछे से कुछ इस तरीके से लगती है दिखने में, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है यार। ये देखिए यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, जो कि बहुत ही बेहतर लगता है यार। यानी कि ये देखिए कुछ तरीके से इसके टेल लाइट है और इसका पीछे का कावल है, और ये कुछ तरीके से यहाँ पर इसका ग्रेबल है, ठीक भाई, कुछ इस तरीके से, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। एक दो तीन यानी सेम यानी तीनों सेम रहने वाले, बहुत ही अच्छा लगता है। और इंडिकेटर वगैरह वही रहने वाले, ये देखिए यानी कि वाइट और हैलोजन बल्ब वाले सेम वही इंडिकेटर रहने वाला। पीछे का रियर वाला जो रियर का जो फेंडर है सेम वैसा रहने वाला है, और पीछे कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुई है, बस टायर वगैरह वही रहने वाला है, जो कि ये देखिए इसमें टायर की बात करें तो टायर वही रहने वाला है, ईरो ग्रिप के कोई टायर रहने वाले हैं। और ये देखिए 8018 का ट्यूबलेस टायर पीछे भी मिलता है, और ये रियर वाली जो ब्रेक है ये ड्रम ब्रेक वाली मिलती है, जो कि बड़े ड्रम से रहती है ब्रेक। और इसका जो मेटल का जो भाई इसके चैन कवर वगैरह वही रहने वाला है, जो मेटल का रहने वाला है, फाइबर का नहीं रहने वाला है। एस्टेक 2.0 में फाइबर का मिलता है, पर इसमें कंपनी ने यह चेंजिंग नहीं किया है कि इसमें फाइबर का नहीं दिया है, मेटल का ही दिया है, तो जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। यानी कि इसमें कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं हुई, जो कि बहुत ही अच्छी बात रहने वाली है। और इधर से इस लेफ्ट साइड से कुछ तरीके से दिखने में लगती है बाइक, और ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं हुए, भाई यही बेसिक चेंज करके कंपनी ने दिया है, जो कि ये देखिए टूल डी बॉक्स वगैरह चेंज करके ही दिया ही था, जो कि मैं हमने दिखाया ही। तो यही सब कुछ बेसिक चेंजिंग थे जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और इसके एक चीज़ जो मैंने बताने को भूल गया हूँ, जो कि ये देखिए इसके रिफ्लेक्टर, यहाँ पर रिफ्लेक्टर को इस तरीके से इसके बॉटम में दिया है, जो कि दिखने में बहुत ही कूल लगता है। ये देखिए कुछ तरीके से, और इस तरफ भी दिया है, ये देखिए कुछ तरीके से यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर दिया है, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर दिखाते हैं आपको ये जो इसकी पाइप है, यानी डिस्क ब्रेक वाली जो पाइप है, पाइप यहाँ से गई है कुछ तरीके से, और यहाँ पर एक पत्ती टाइट करी गई है। ये देखिए यहाँ पर पत्ती एक टाइट करी गई है, और इसके मेडगार्ड मतलब मेडगार्ड वाला जो ये मेडगार्ड का बोल्ट है, इसी में इसकी पत्ती टाइट की गई है, और यहाँ से कुछ तरीके से इसकी पाइप लेकर गए हैं। और यहाँ पर ये देखिए एक बड़ा बदलाव, ये देखिए यहाँ पर टी में मतलब ये एक बोल्ट टाइट किया गया 10 mm का, जो 10 mm का बोल्ट होता है यहाँ पर टाइट किया गया है, और ये पत्ती से कुछ तरीके से इसकी पाइप टाइट की गई है, जो डिस्क ब्रेक वाली पाइप होती है। ये देखिए यहाँ पर कुछ तरीके से पिलाकर यहाँ पर लेकर आया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा रहने वाला। यहाँ पर कैलिपर वगैरह इसका लगाया गया है कुछ तरीके से, और जब रियर वाली ब्रेक प्रेस कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर रियर वाली ब्रेक प्रेस कर रहे हैं, तो कुछ तरीके से यहाँ पर ये आगे की ब्रेक लग रही है। देखिए ये देखिए कुछ तरीके से यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देखिए जब हम ये वाली ब्रेक प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए तो यहाँ पर भी बढ़ता है, ये देखिए कुछ तरीके से। तो भैया यही थे कुछ बेसिक चेंजेस, और यहाँ पर हेडलाइट वगैरह कुछ नहीं चेंज है, यानी कि इसकी हेडलाइट वगैरह कुछ भी नहीं चेंज है। एस्टेक में आपको मिलता है एस्टेक 2.0 में आपको LED मिलती है, पर इसमें वही वाला सेटअप रहने वाला, जो कि हैलोजन लाइट वाली रहने वाली है जिसकी हेडलाइट, और यहाँ पर DRL जो यहाँ पर जलता था वाइट कलर का, वो DRL यहाँ पर कंपनी ने नहीं हटाया है, वही DRL रहने वाला है कुछ तरीके से। और कुछ इस तरीके से पूरी बाइक लगती है, जो कि दिखने में बहुत ही फैंटास्टिक लगती है यार, दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। इसका जो लुक है ना, लुक ही बहुत ही अच्छा आ चुका है यार। देखिए दिखाते हैं आपको, ये देखिए जो कि बहुत ही बेहतर लगने वाली है यार। ये देखिए कुछ तरीके से लगती है यार, जो कि दिखने में बहुत ही बेहतर लग रही बाइक। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो भैया इसका 1,02,000 इसका ऑन रोड प्राइस इसका बताया गया है, जो कि कंपनी ने सारा क्लेम कर रही है कि 1,02,000 में ये वेरिएंट मिलने वाला है। तो अगर इसका फाइनेंस डिटेल देना है, तो भैया यार आई बटन पे आ रही होगी वीडियो, उस वाली वीडियो का लिंक जाके देख लीजिए। और अगर आप लोगों को कैसी लगी अच्छी लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यार ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो वगैरह बनाने में, क्योंकि हम यहाँ से अपने घर से होम जहाँ हमारा घर पड़ता है, मतलब जहाँ विलेज से हम जिस विलेज से बिलोंग करते हैं, वहाँ से हम कम से कम नहीं कुछ तो 150 किलोमीटर दूर आए हैं इस वीडियो को शूट करने के लिए, समझ रहे हो ना। यानी कि ये शोरूम पर बाइक आई थी, क्योंकि यार बहुत ही सारे शोरूमों में अभी बाइक अवेलेबल नहीं है, तो भैया इस वाले शोरूम पर बाइक अवेलेबल थी। तो भैया यार मेरे पास मैंने फ़ोन लगाया था, तो उन्होंने बोला कि हाँ बाइक आ चुकी है, आप वीडियो बना सकते हैं आकर। तो भैया यार हम यहाँ पर आए हैं अब वीडियो को शूट करने के लिए, तो भैया यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है यार। ये तो मान जो फालतू ही मैंने बता दी है, पर यार बताना चाहिए, क्योंकि यार हम बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो वगैरह बनाने में। तो भैया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो अगर अच्छी है तो लाइक करके कमेंट जरूर करना है प्यारा सा आपको, ठीक भाई, इस बाइक अकॉर्डिंग, ठीक भाई। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।